हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एक गेम सर्वर होस्टिंग कंपनी कैसे काम करती है, या फिर अगर आप चाहते हो अपनी खुद की एक गेम सर्वर होस्टिंग कंपनी खोलना, या फिर आप अभी शार्क टैंक देख के आए हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको कि ये कंपनी A to Z कैसे काम करती है, कैसे बनती है, सब कुछ। सो सीधा आपको टॉपिक पर ले जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि गेम सर्वर होता क्या, जो लोग बिल्कुल नए हैं। सो अगर आप खेलते हो कोई भी ऑनलाइन गेम, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं आपको माइनक्राफ्ट, एंड अगर आपको वो गेम खेल लिया अपने फ्रेंड्स के साथ तो आपको चाहिए एक सर्वर। अब आप वो सर्वर किसी कंपनी से बाय करोगे एंड वो कंपनी आपको वैसा सर्वर दे देगी, एक आपको IP प्रोवाइड करेगी, आप अपने फ्रेंड्स को वो IP दोगे एंड आप सारे इकट्ठे खेल सकते हो। आपका सारा डेटा उस सर्वर में स्टोर होगा एंड ऐसे एक ये चीज़ वर्क करती है। एंड आप एक पेमेंट करोगे मंथली, वीकली या फिर ईयरली, वो पूरा डिपेंड करता है। सो ये होता है गेम सर्वर होस्टिंग। मतलब आप खेलोगे यहाँ पे बट सर्वर कहीं और है, उसका ब्रेन कहीं और है, चीज़ें कहीं और काम करेगी। सो अगर आपको मैं अभी कोई कंपनीज़ बताऊं जो इस फील्ड के अंदर है तो वो होगी सारी इंडिया के बाहर की कंपनी, बिकॉज इंडिया में अभी ये चीज़ ब्रांड्स के साइड से अभी कुछ इतना नहीं हुआ है। सो ये है कुछ टॉप कंपनीज़ जैसे एपेक्स होस्टिंग, शॉकबाइट और एक है ज़ैप होस्टिंग, एंड ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं। ये इंडिया की नहीं है, सारी बाहर की है। तो तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। एंड मेरे को कमेंट में किसी ने पूछा था कि मैं UPI से ऐसी होस्टिंग कैसे खरीद सकता हूँ, तो मैंने खुद देखा तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप में से कोई ये वीडियो देख के अपनी कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करता है तो मेरे को ज़रूर बताना एंड मेरे को टैग करना। सो चलते अब हम अपने टॉपिक पे। सो एक गेम सर्वर होस्टिंग खोलने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगी कुछ चीज़ें। चीज़ों का मतलब आपको चाहिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे आपका सारा डेटा चलेगा, स्टोर होगा एंड पब्लिक को भी वहीं से एक्सेस करना पड़ेगा। सो सबसे पहले आपको बिल्ड करनी है एक वेबसाइट। ये सारी चीज़ें हम एक वेबसाइट के थ्रू चलाएँगे एंड वेबसाइट के लिए हमें चाहिए सबसे पहले वेबसाइट होस्टिंग। अब वेबसाइट होस्टिंग क्यों? सो फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी का नाम हम सोचते हैं नो पापा होस्टिंग। ये मैं एक रैंडम नाम ले रहा हूँ एंड यहाँ पे इस वीडियो में मैं जिस भी ब्रांड का नाम ले रहा हूँ या फिर जो भी आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ ये सारी नॉन स्पॉन्सर्ड है। ये मैं आपको अपनी रिसर्च के हिसाब से बता रहा हूँ, आपकी शायद आप कुछ और भी ले सकते हो, आप अपनी मर्जी से यहाँ पर चेंजेस भी कर सकते हो। चलते हैं अब टॉपिक पे। सो सबसे पहले आपको लेनी है एक वेबसाइट होस्टिंग और एक डोमेन नेम। अब डोमेन नेम फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ नो पापा होस्टिंग। सो आपने लिया nopapaHosting.com और वो आपने कनेक्ट कर दिया अपनी इस वेब होस्टिंग से। अब वेब होस्टिंग से क्या होगा आपको सारा वो समझा देता हूँ, एंड उससे पहले हम एक बार प्लान्स देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या मेरे को मिल रहे हैं। सो एक रैंडम मैं वेबसाइट होस्टिंग पे आया हूँ एंड यहाँ पे इसका 3 साल का प्लान है जो है 60 रुपये पर मंथ। एंड यहाँ से सोचो आपने ले लिया। अब यहाँ पर लेने के बाद आपको मिलता है एक कंट्रोल पैनल एंड उस उधर से आप इंस्टॉल करोगे WHMCS और वर्डप्रेस। अब ये 2 चीज़ें आपको इंस्टॉल करनी है। अब इनका मैं यूज़ आपको बताता हूँ वीडियो के थोड़ा आगे। सबसे पहले सोचा आपने ले लिया एक वेबसाइट होस्टिंग ले ली एंड आपने लेके रख दिया, ये होगी आपकी एक चीज़। इसके अलावा अब दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास जो होता है एक सर्वर। अब कस्टमर को जहाँ से चीज़ बाय करनी है आपने वो चीज़ ले ली, बट कस्टमर ने एक बार प्रोडक्ट बाय करा तो उसको क्या मिलेगा, उसने वो सर्वर लिया है वो उसको कैसे मिलेगा। तो वो एक सर्वर आपके पास भी होना चाहिए, एक बड़ा सर्वर जिसमें से आप उसको एक पार्ट उसके गेम का जो फाइल डाल के दोगे। सो उसके लिए आपको चाहिए एक VPS या फिर अगर मैं बोलूँ तो RDP। तो VPS RDP या फिर इसको मैं एक बार डेडिकेटेड सर्वर बोल देता हूँ बिकॉज यहाँ पे एक बड़ी चीज़ है ये पूरी। सो यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड सर्वर भी लेना पड़ेगा एंड ये थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली होता है बिकॉज ये मतलब छोटी मोटी चीज़ों के लिए नहीं है, ये सीधे बड़े बड़े कामों के लिए है। सो यहाँ पे अगर मैं आया हूँ यहाँ पे ज़ैप होस्टिंग पे, यहाँ पे अभी भी कह रहा हूँ आपकी मर्ज़ी है। एंड अगर आप कभी ये चीज़ ले रहे हो मेक श्योर आप एक बार इनके सपोर्ट से बात कर लो कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ, क्या मैं अलाउड हूँ करने के लिए या फिर नहीं, बिकॉज कभी कभी कुछ कंपनीज़ रिस्ट्रिक्शन लगा देती है या फिर कुछ कंपनीज़ अलाउ नहीं करती ऐसी चीज़ों को। सो ये सारी चीज़ें आप उनके एंड से एक बार देख लेना। एंड जब आप एक VPS ले रहे हो तो यहाँ पे आपको चाहिए होगी अच्छी रैम, आपको एक प्रोसेसर चाहिए एंड स्टोरेज चाहिए। सो अब अगर मैं देखता हूँ मेरे को कोई सर्वर चाहिए तो मैं यहाँ पे ले लेता चलो 64 GB रैम का सर्वर जिसमें मेरे को ये एक प्रोसेसर मिल जाता है एंड 240 GB की 2X स्टोरेज मिल जाती है। सो यहाँ पे सोचो मैंने ये ले लिया तो अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक वेब होस्टिंग और एक है हमारे पास सर्वर। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे सर्वर इस वेबसाइट से दिखाया। एंड एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना भूल गया कि यहाँ पे मैटर करती है सर्वर की लोकेशन, आपका सर्वर कहाँ है, क्योंकि जितना दूर आपका सर्वर होता है यूज़र से उतना ज़्यादा उसको आता है पिंग, एंड जितना ज़्यादा पिंग उतना ज़्यादा खेलने में मज़ा नहीं आएगा, चीज़ें लैग करेगी एंड बड़ा गंदा एक्सपीरियंस होता है। तो आप कभी भी लो तो लोकेशन ज़रूर देखना। फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ पे जर्मनी में है, तो ऐसी अगर आपको लेना है तो आप सिंगापुर का लेना। अब सिंगापुर का लेना है तो आप ले सकते हो OVS से, OVS पे भी आपको मिल जाते हैं सर्वर्स। इनकी अलग अलग प्राइसिंग होती है, अलग अलग स्पेसिफिकेशन होती है। सो प्लीज़ आप ये सब देख के करना, बिकॉज पैसे का मामला है बाबू भैया, एक बार आपका खर्चा हो गया तो हो गया। सो यहाँ से आप देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक और वेबसाइट है हेज़नर, आप यहाँ से भी सर्वर देख सकते हैं। यहाँ पे ऑक्शन भी होता है, बहुत कुछ होता है ये सब। इसके अलावा मैं आपको ये सब सर्वर के बारे में एंड में बताऊंगा कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। अब वापस आ जाते हैं हम हमारी वेबसाइट होस्टिंग पे। अब हमने ले लिया एक वेबसाइट होस्टिंग और एक ले लिया हमने डोमेन नेम। अब डोमेन नेम भी हमने ले लिया। अब हम उसमें इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस क्यों? अब आपने स्टार्ट करनी कंपनी, आपने उसकी वेबसाइट बनाई। अब वेबसाइट जैसे ये वेबसाइट है तो मेरा कस्टमर आएगा यहाँ पे। अब उसको जितनी अच्छी वेबसाइट दिखती है, जितनी यूज़र फ्रेंडली दिखती है, जितना अच्छा इंटरफेस दिखता है, वो उतना ही ज़्यादा इंप्रेस होगा, उतना ज़्यादा देखेगा वेबसाइट पे क्या क्या फ़ीचर है। तो आपको इस पर ध्यान देना है कि आपकी कितनी अच्छी वेबसाइट बनती है। तो ये चीज़ हम वर्डप्रेस के थ्रू इजीली कर सकते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस पे कई सारे थीम यूज़ हो सकते हैं, कई सारे प्लगइन्स आते हैं उसके लिए, बहुत टाइप की कस्टमाइजेशन है। एंड मैं वही सारी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ जिस पे अच्छा खासा सपोर्ट आपको मिलता है ये कंपनीज़ के थ्रू। तो आपने यूज़ कर लिया वर्डप्रेस, एंड वर्डप्रेस यूज़ करने के बाद आपको उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा थीम। अब थीम मैं आपको बता देता हूँ आपको कौन सा करना है। आप कर सकते हैं ऐसे वाले थीम। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप मेरी नोट कर लो कि आप कभी भी ऐसी कोई चीज़ ऑफिशियल काम करो या फिर जिस चीज़ में पैसा इन्वॉल्व हो रहा है वहाँ पे कभी भी क्रैक चीज़ यूज़ मत करना, बिकॉज़ किसी और का पैसा है, कोई और आपको पे करेगा एज अ कंपनी के लिए। मतलब कोई भी आपको पैसा पे कर रहा है वो नहीं चाहता कि कल को जाके वहाँ पर दिक्कत है, बिकॉज़ क्रैक चीज़ें या फिर नल चीज़ें एक टाइम पे आके आपको प्रॉब्लम देगी, आपको ऐड देगी, वहाँ पे इंजेक्शंस हो सकते हैं, वहाँ पे बहुत कुछ गलत चीज़ें हो सकती है। तो आप प्रिफर करना पे करने के लिए, बिकॉज़ वन टाइम फीस होती है शायद ये थीम वगैरह की, तो एक बार खर्चा है कर लो। तो आपको वर्डप्रेस के ऊपर कुछ ऐसे थीम लगाने हैं जिस पे हो WHMCS का कुछ सपोर्ट हो। अब WHMCS क्या है? अब ये आ जाती है हमारे पास एक और चीज़। अब हमारी वेबसाइट का फ्रंट एंड चलो वर्डप्रेस पे है, बट सारा ब्रेन जो हमारा ऑर्डर्स देखेगा, जो हमारा सारा बिलिंग देखेगा, वो है WHMCS। तो ये बेसिकली यूज़ करते हैं इसको मोस्टली होस्टिंग कंपनीज़ वाले जो आपको वेबसाइट होस्टिंग बेचते हैं, बट इसको हम कस्टमाइज़ करके हमारे गेम सर्वर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इसकी मंथली प्राइसिंग होती है, तो ये आपकी स्क्रीन पे है। आप कौन सी प्राइसिंग आपको कौन सा प्लान लेना है ये आपके डिपेंड करता है। मैं तो कहता हूँ आप बेसिक वाला लेना, आपको ठीक पड़ेगा। बाकी आप इसका आप अपने कंपनी वाले से एक बार बात कर सकते हो कि वो आपको ट्रायल दे दे या फिर कुछ ऐसा दे दे कि आपको टेस्टिंग के लिए आपको मिल जाए। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ये चीज़ कैसे ले सकते हो, बिकॉज कंपनी वाले कर देते हैं अकॉर्डिंग टू मी। सो अब आपने WHMCS भी इंस्टॉल कर लिया, एंड आपने इसको वर्डप्रेस के साथ ज्वाइन कर दिया। एंड अब आपको क्या करना है? अब आपको डालने होंगे इसमें प्लान्स, आपको प्लान्स डालने हैं, आपको इसको कस्टमाइज़ करना है। अब इसको भी कस्टमाइज़ करने के लिए हमारे पास आ जाती है चीज़ें जो होती है इसकी मार्केट प्लेस में। यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप बहुत सारे कस्टमाइजेशंस हैं। एंड आपको एक चीज़ याद रखना, मैं फिर से कह रहा हूँ, जितना यूज़र को चीज़ अच्छी दिखती है वो यूज़र बाकियों को भी वैसे ही रिकमेंड करेगा। अगर आपका सब कुछ फ्लैट वेबसाइट है, सब कुछ मतलब बेसिक है, कोई कौन यूज़ करेगा? बिकॉज बाकी कंपनीज अगर आप देखते हो तो वो फुल कस्टमाइज़ करके आपको ये चीज़ देती है। ओके, सो ये सब हमने कर लिया। अब आ जाती है मेन चीज़। आपने प्लान कर दिया, आपने प्लान्स बना दिया, आपने सब कुछ कर दिया, बट अब पेमेंट कैसे लें? सो तभी मैंने आपको ये चीज़ रिकमेंड करी थी, बिकॉज़ यहाँ पे आपके इंडियन पेमेंट गेटवेज भी सपोर्ट करता है WHMCS। फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉपुलर किसी पेमेंट गेटवे का नाम लूँ तो वो होगा रेज़रपे। अब शायद आपको, अगर आप नए हो तो आपको मेरी बात सर के ऊपर से जारी होगी, बट आपको मैं एंड में थोड़ा ईजिली करके भी दिखाऊँगा कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ और ये क्या सब है। सो आपने सोचो इंटीग्रेट कर दिया WHMCS से आपका रेज़रपे, एंड आपका सब कुछ डन हो गया, प्लान्स भी डन है, आपकी बहुत अच्छी वेबसाइट बन गई, आपने सब कर लिया। अब क्या करना है आपको आगे? अब हमने जो सबसे पहले ख़रीदा था एक VPS या फिर एक RDP, हमें उसमें जाना है एंड उसमें इंस्टॉल करना है टेरोडैक्टाइल। अब टेरोडैक्टाइल क्या है, अब ये एकदम नई चीज़ है, ये होता है गेम सर्वर मैनेजमेंट के लिए। इसके अंदर आप अलग अलग गेम सर्वर होस्ट कर सकते हो, वो उन सबको एक स्पेसिफिक रैम एलोकेट कर सकते हो, उनके अंदर भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो। उस सब के लिए ये टेरोडैक्टाइल पैनल है एंड ये एकदम फ्री है एंड ओपन सोर्स है, जिसकी एक्टिवली डेवलपमेंट अभी भी हो रही है। कुछ स्क्रीनशॉट अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं, जहाँ पे आप इसके पोर्ट्स वगैरह चेंज कर सकते हो, वो सब चेंज कर सकते हो, एंड एपीआईस। इसके अलावा उसका कंसोल दिखता है आपको, आपके सर्वर का, एंड इसी से ही आप अपने यूज़र की रैम सेट कर सकते हो, आपको उसको कितनी स्टोरेज देनी है आप वो सब सेट कर सकते हो इसके थ्रू। अब आपको इसको टेरोडैक्टाइल को इंटीग्रेट करना है आपके WHMCS से। अब वो कैसे होगा, उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ है, इसका मॉड्यूल, ये भी टेरोडैक्टाइल वालों ने ऑफिशियली दिया है, तो आप इससे उसको इंटीग्रेट कर सकते हो एंड ये बहुत अच्छा चलता है, अगर क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ ट्राई कर रखी है। सो सोचो आपने इंटीग्रेट भी कर दिया। अब टेरोडैक्टाइल के अंदर अब हम अलग अलग टाइप के गेम्स रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल माइनक्राफ्ट का मेरे को एक सर्वर बनाना है, किसी को 5M का सर्वर बनाना है, एंड यहाँ पे अनलिमिटेड चीज़ें हैं मेरे हिसाब से, और उसके वो सारी चीज़ों के लिए हमें चाहिए एग्स। अब वो सारे एग्स आपको मिलते हैं इस गिटहब रेपो पे, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अंदर भी अगर मैं जाता तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड अगर मैं माइनक्राफ्ट में जाऊँ तो कितने टाइप के यहाँ पे माइनक्राफ्ट के एग्स रहते हैं हमारे पास, वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सो यहाँ पे थी ये सारी चीज़ें, एंड इसके बाद हम थोड़ा और आगे चलते हैं तो आ जाता है हमारा टेरोडैक्टाइल का भी मार्केट प्लेस। अब टेरोडैक्टाइल एक ऐसा पैनल है जिससे यूज़र अपने सर्वर को में मॉडिफिकेशन करेगा, मतलब ज़्यादातर टाइम वहीं पे रहेगा एक गेम सर्वर का ओनर, तो आपको वहाँ पे भी आपको एक अच्छा इंटरफेस देना है, उसमें भी आपको फीचर्स देने हैं, तो आप उसको भी फ्लैट नहीं छोड़ सकते। तो उसके लिए कस्टमाइजेशन के लिए आपको मिलती है ये मार्केट प्लेस, एंड ये एक नहीं है, एक बहुत सारी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाऊँ आपको ये, तो ये एक थीम है, इसके भी थीम्स मिलते हैं, इसमें भी उतनी कस्टमाइजेशन है एंड इसमें भी बहुत सारे फीचर्स आप डाल सकते हो। सो यहाँ पे आप ये जा सकते हो एंड ये सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ थी जो आपको करनी थी। अब आ जाते हैं, एक बार मैं आपको रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से दिखा देता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम श्योर कोई नया है तो उसको बिल्कुल भी ये चीज़ समझ नहीं आई होगी। सो एक बार आ जाते हैं मेरे यहाँ पे प्रेजेंटेशन पे। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है मिस्टर आर्यमन, जो एक कस्टमर है एंड इनको खरीदना है एक माइनक्राफ्ट सर्वर, क्योंकि इनको अपने एक दोस्त के साथ खेलना है जिसका नाम है सौरव, ठीक है। अब इन दोनों को खेलना है, इसके पास पैसे हैं एंड इनको अब एक होस्टिंग खरीदनी है। तो ये आ जाते हैं हमारे होस्टिंग के पास। अब ये आगे हमारे होस्टिंग के पास, एंड यहाँ पे ये जैसे ये मेरे होस्टिंग पे आए, इनका वेलकम करता है वर्डप्रेस। ये सारा वर्डप्रेस देखेगा, वर्डप्रेस पे मेरी वेबसाइट कितनी अच्छी बनी है, क्या क्या है, वो सब से ये देख के खुश हो जाते हैं एंड इनको ख़रीदना है अपना हमारा कोई एक प्लान जो होगा कुछ 200-300 रुपये का, एंड ये वो प्लान खरीदने जाते हैं, ये वहाँ से करते हैं चेकआउट। अब प्लान्स के बाद जो भी चीज़ आ जाती है आपकी पेमेंट से रिलेटेड, जो भी चीज़ आ जाती है आपके यूज़र के अकाउंट बनाने से रिलेटेड, सारा देखता है WHMCS। सो वर्डप्रेस का काम था सिर्फ चीज़ दिखाने का, WHMCS इज़ द रियल ब्रेन ऑफ योर वेब होस्टिंग कंपनी, या फिर मतलब सब कुछ यही करता है। सो उन्होंने एक नया अकाउंट की अपनी सारी डिटेल्स डाल दी, उनका जो बिल बनता है वो होता है 300 रुपये। ये चेकआउट पे क्लिक करेंगे एंड चेकआउट करते ही इनको डाल दिया जाएगा एक पेमेंट गेटवे पे। अभी आप देखना ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है, अगर आपको मैनुअली पेमेंट एक्सेप्ट करनी है तो वो एक अलग चीज़ है, बट यहाँ पे मैं आपको सब कुछ ऑटोमेटिक करना सिखा रहा हूँ कि आप रात को सो रहे हो, कस्टमर आपका सामान ले भी रहा है, आपका मतलब सेल्स भी हो रही है एंड आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सीधा सीधा। सो कस्टमर ने क्या चेकआउट, उसने कर दी पेमेंट, रेजरपे को पेमेंट मिल चुकी है, रेजरपे वापस बोल देगा WHMCS को कि हाँ मेरे को पेमेंट मिल चुकी है, तुम आगे अपना देख लो। अब WHMCS के अंदर मैंने अपने सारे प्लान्स डाले हुए हैं, उसके अंदर मैंने उसको बताया हुआ है कि तेरे को कैसे काम करना है, तेरे को क्या क्या करना है। तो अब आगे क्या होगा, WHMCS बोलेगा टेरोडैक्टाइल को कि भाई ये है स्पेसिफिकेशन, मेरे को ऐसा सर्वर बना के दे दे। अब आपने इसके अंदर भी चीज़ें लोड कर रखी है, आपने बता रखा है कि अगर इसने बोला कि मेरे को इंटेल का ऐसा वाला CPU वाला सर्वर है, उसके अंदर मेरे को ऐसी स्पेसिफिकेशन के साथ मेरे को मतलब 3 GB रैम देनी है सर्वर को, उसके अंदर माइनक्राफ्ट का एग होना चाहिए, ये सब तो मेरे को सेट करके दे दे। सो यहाँ से ये ऑर्डर भेजेगा इधर एंड ये देखेगा कि मेरे पास वैसा सर्वर है भी कि नहीं। अब एक और मेन बात जो मैं आपको अभी बताना भूल गया कि टेरोडैक्टाइल वर्क करता है दो चीज़ों से, जो है पैनल और विंग्स। अब पैनल क्या होता है? पैनल होता है आपका एक फ्रंट एंड चीज़ जहाँ पे यूज़र आता है एंड इंटरेक्ट करता है। वहाँ पे सारे बटन्स होते हैं, वहाँ पे स्टार्ट का बटन, स्टॉप का बटन, वहाँ पे फाइल मैनेजर पे जा सकता है वो, ये सारा चीज़ देखता है पैनल। विंग्स क्या होते हैं? अब फॉर एग्जांपल सोचो ये है मेरा पैनल एंड मेरी कंपनी पहले थी छोटी पर मैं उसको अब बढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं और सर्वर्स ऐड कर रहा हूँ। तो आप ये तो है नहीं कि सब में आप पैनल इंस्टॉल करो कि अगर तेरे को इसमें जाना है तो ये पैनल है वो पैनल है, आपका पैनल रहेगा सेम बट हर मशीन के अंदर आपको विंग्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे जिससे ये मशीन आपके पैनल के साथ इंटरेक्ट कर सके एंड डेटा लेन देन कर सके। सो इसको बोलते हैं पैनल और विंग्स टेरोडैक्टाइल के। एंड अगर सोचो इसने बोला कि मेरे को एक i5 वाला ही पीसी चाहिए एंड यहाँ पे अपना i5 वाला एक पीसी दे दिया बट इसके अंदर सारे सर्वर गए हुए हैं, तो ये आपको ये यहाँ पे वापस रिटर्न करते हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं हो पाएगी, सॉरी। ये ऐसे नहीं करेगा कि i5 नहीं है तो इसको i7 दे दूंगा। ये सारा आप लिमिट कर सकते हो, ये सारा आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने एंड पे। सो यही है कि टेरोडैक्टाइल के साथ आप जैसे मर्जी सर्वर ऐड कर सकते हो, बस याद रखना वो लिनक्स होने चाहिए एंड आपकी गेम सर्वर होस्टिंग मतलब आपकी जो कंपनी है, मतलब आपने जिससे लिया है ये सर्वर, उन्हें अलाउ करना पड़ेगा कि आप ये सब काम इस पर कर सकते हो, बिकॉज बाद में जाके आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है अगर आपने मतलब अपने कस्टमर का डेटा यहाँ पे स्टोर किया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी यूजेज हो रहा है तो सीधा आपकी जो होस्टिंग है, जो बैकएंड से, वो सीधा वहाँ से सस्पेंड करेंगे, फिर उसको कोई नहीं बचा सकता। सीधी सीधी ये चीज़ है। अब कुछ कन्फ्यूजन आ सकती है आपको शायद कि टेरोडैक्टाइल कैसे इंस्टॉल करें, क्या करें, तो इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप आई बटन में जाके देख सकते हो, आपको सब समझ आ जाएगा। और इसके साथ एक और चीज़ है कि आपको टेरोडैक्टाइल पे भी डोमेन नेम देना है, इसकी भी आपको एक आईपी मिलती है, इससे आप पूरा इंटीग्रेशन मैंने उस वीडियो में बता रखा था, वो वाली वीडियो प्लीज़ देख लेना। एंड वापस चलते हैं हम एक बार अपने होस्टिंग की तरफ। सो होस्टिंग में अब आप देखते हो आप किसी होस्टिंग पे आए, यहाँ पे आप देखते हो चैट सपोर्ट है। सो एक अगली चीज़ है कि आपको अपना चैट सपोर्ट भी रखना है एंड इसके लिए भी बहुत सारी कंपनीज है जो आपको ऐसे अलाउ करती हैं। चैटरा हो गया फॉर एग्जाम्पल, ये ज़ैप होस्टिंग यूज़ करते हैं, यहाँ पर ये वाला चैट सपोर्ट है या फिर कोई और चैट सपोर्ट है, तो आप वो सारे भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बस बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको कस्टमर सपोर्ट भी देना पड़ेगा अगर आप एक ऐसी कंपनी खोल रहे हो एंड आपको खुद आना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग की, अगर ऐसी प्रॉब्लम अराइज हो रही है तो आप उसको कैसे सेट कर सकते हो। सो यही सब था। एंड वापस एक बार चलो मैं आ जाता हूँ अपने होस्टिंग वाली साइड पर, मतलब आपके जो ये वाले सर्वर्स हैं इन पे। तो आपने टेरोडैक्टाइल को एक अलग वीपीएस पे डाल दिया, आपने इसको एक रैम दे दी, फॉर एग्जांपल 3 GB रैम या 4 GB रैम आपने इसको दे दी, क्योंकि अब इसमें मैंने प्लगइन्स पे डाले हैं तो इसके प्लगइन्स पे थोड़ा बहुत रैम खाएंगे, थोड़ा बहुत यूजेज भी करेंगे। सो आपको इसको अलग रखना है इन सारी मशीन से, मतलब इसको अलग से बाय करो, इनको अलग से बाय करो, इसकी अलग आईपी, इन सब की अलग अलग आईपी, वो सारा इंटीग्रेट हो जाएगा, बाकी उसकी टेंशन लेनी नहीं हमें। एंड एक और चीज़ अगर मैं बोलूं कि आप अलग अलग इसलिए भी रखो क्योंकि कल को अगर एक चीज़ आपकी डाउन होती है तो दूसरी चीज़ पे अफेक्ट ना पड़े। फॉर एग्जांपल कल को आपने एक मशीन ली, ये वाली मशीन डाउन हो जाती है एंड अगर आपका इसी पे ही पैनल इंस्टॉल है तो आपका पैनल भी, आपको सारे कस्टमर को फेस करनी पड़ेगी प्रॉब्लम, तभी कह रहा हूँ पैनल अलग रखना हमेशा। तो ये सब चीज़ थी। एंड इसके बाद एक और चीज़ जो है मेरे को याद आ रही है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैं आपको बोला था, मतलब आपके सर्वर्स ये अलग अलग कंट्रीज़ में आप रख सकते हो, अलग अलग जगह से डिपेंड करते हैं, मतलब अलग अलग उनकी पिंग डिपेंड करती है, प्राइसिंग डिपेंड करती है आपको। बट अब एक और चीज़ है कि ये कितने टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसको होम होस्टेड भी कर सकते हो, आप किसी थर्ड पार्टी कंपनी से बाय करके आप इसको अपने कंपनी में डाल सकते हो, इसके अलावा आप एक पूरा रैक रेंट कर सकते हो। अब स्टार्टिंग से आपको बता देता हूँ कि अगर आपको इसको एक होम होस्टेड रखना है, मतलब आपके सारे सर्वर आपके घर पे, आपका सारा आपकी कंपनी सारी एक आपके कमरे में चल रही है, तो इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो सीधा सीधा देखो ऐसा बनता है कि अगर आप सब कुछ अपने एक रूम में कर रहे हो, आपको सबसे पहले हैवी कॉस्ट देनी पड़ेगी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसके बाद आपको ख़रीदनी पड़ेगी आपके ISP से एक लीज लाइन, उसमें स्टैटिक आईपी चाहिए आपको, आपके पास एक अच्छा आपके पास एक अच्छा पावर बैकअप होना चाहिए, अच्छा इंटरनेट। मतलब स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट है, बट उसके बाद भी आपके पास एक अच्छे पावर सप्लाई ही होनी चाहिए, उसके बाद ही आपकी जो चीज़ है वो सर्वाइव कर पाएगी, नहीं तो लाइट गई सब बंद। सो इसमें रिस्क है, बट एक टाइम पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट आपका होगा। इसके बाद जो अगली चीज़ है जो मैं कह रहा हूँ कि इसी थर्ड पार्टी कंपनी से लेके, फॉर एग्जांपल मैं वापस आ जाता अपने स्क्रीन पे, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो कि मैंने सर्वर ले रखा है ज़ैप होस्टिंग से। अब इनका सर्वर है, इन्होंने कहीं और होस्ट कर रखा है, ये भी 24 घंटे चलेगा, मेरे को पता है। कल को ये बंद होता है तो वो इनकी जिम्मेदारी, मैं इनको बोलूँगा कि क्या हो रहा है तो ये मेरे को वापस ठीक करके दे देंगे। अगर डेटा लॉस्ट हुआ तो वो मेरी जिम्मेदारी है। सो इसका बस यही इसका एक ही नुकसान है कि अगर डेटा गया तो वो मेरे नुकसान, क्योंकि ये इनकी तो कोई जिम्मेदारी होगी नहीं, ना वो किसी और कंपनी की होगी। सो उसका ये है। एंड आपको एक मंथली एक पर्टिकुलर रेंट पे करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल 52 यूरोज़ या जितने मर्जी डॉलर्स, तो वो आपके उस हिसाब से। एंड जो अब अगली चीज़ है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है, वो है आप एक रैक को रेंट कर सकते हो। अब व्हाट इज़ रैक? अब रैक में क्या होगा कि आपका सोचो एक डेटा सेंटर है दिल्ली में। अब दिल्ली में डेटा सेंटर है, वहाँ पे वो क्या करते हैं, उन्होंने रैक बनाए होते हैं डिफरेंट एंड उसमें वो आपसे एक रेंट लेंगे। फॉर एग्जांपल उसने मेरे से लिया 10,000 रुपये एंड उसने बोला कि अब से ये जगह, मतलब इतनी जगह तुम्हारी, यहाँ पे तुम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाओ और यूज़ कर लो। तो वहाँ पे मैं अपना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके जाऊँगा, वहाँ पे सारे सर्वर सेटअप करूँगा एंड उसके बाद वो इंटरनेट कनेक्शन उन्हीं का, पावर उन्हीं की, मतलब वहाँ पे 24 घंटे ही चलेगा क्योंकि उनका काम यही है। बस वो क्या करेंगे, मेरे से एक मंथली रेंटल लेंगे और मेरे से इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी लेंगे, मतलब कितने किलोवाट आवर मैं यूज़ कर रहा हूँ उस हिसाब से। सो यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि किसी और कंपनी का सर्वर ही यूज़ करो बेस स्टार्टिंग में। उसके बाद अगर आपकी कंपनी थोड़ी बड़ी होती तो आप उस हिसाब से ग्रो कर सकते हो। सो यही सब था भी मेन चीज़। एंड इसके बाद जो अगली मेन चीज़ है कि आपने चलो सब कर लिया, मतलब आपने वर्डप्रेस से WHMCS भी डाल दिया, आपने फ्रंट एंड भी कर दिया, बैक एंड भी कर दिया, आपने सर्वर भी ले लिया, आपने उसमें टेरोडैक्टाइल भी इंस्टॉल कर दिया, उनको कस्टमाइज़ भी कर दिया और एक बहुत अच्छा आपने थीम भी बना लिया। बट जो अगली चीज़ है वो आ जाती है आपकी टेस्टिंग, बिकॉज आपने एकदम अभी बेसिक से स्टार्ट किया, आपको नहीं पता कि ये चीज़ कितना स्ट्रेस इस झेल पाएगी, इस पर कितना लोड आ सकता है मैक्स। तो आपको करना है टेस्टिंग, कम से कम 1 महीना या फिर 2 महीना आप बस टेस्टिंग करो, चाहे आप अपने जो सर्वर है वो फ्री में बांट दो यूज़र्स को, बिकॉज हैवी टेस्टिंग के बाद ही आपको पता चलता है कि आपकी जो चीज़ में प्रॉब्लम्स है वो क्या है एंड आप उसको कैसे फिक्स कर सकते हो। एंड अगर आपको एक बार प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गई, आपको ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है, बिकॉज आपने सब कर लिया, आपने प्रॉब्लम भी देखी, आपने उस प्रॉब्लम को फिक्स भी कर दिया। तो यही सब था। एंड एक और चीज़ जो लास्ट है, आपका कस्टमर सपोर्ट वो भी अच्छा होना चाहिए, तभी वो कंपनी अच्छे से सर्वाइव कर पाएगी, कस्टमर रिटेन कर पाएगी एंड न्यू कस्टमर वहीं से बन पाएंगे। सो ये था आपका पूरा गेम सर्वर होस्टिंग कंपनी का आपका बिजनेस मॉडल, या फिर आप ले लो पूरा A to Z कच्चा चिट्ठा की कैसे काम कर रही है, सारी जो चीज़ें आपको बताई है ये अभी भी सारी बड़ी कंपनीज यूज़ कर रही है, बिकॉज मैं भी इन कंपनी के साथ कई बार काम कर चुका। मैंने देखा है इनका डेटा सेंटर, मैंने देखा है इनके ऑफिस देखे हैं कि वहाँ पर वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो वही सब एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब है। एंड इसके अलावा आप अपनी भी रिसर्च कर सकते हो कि कैसे ये चीज़ काम कर रही है, टेरोडैक्टाइल कैसे करता है। एंड अगर इस वीडियो पे आ जाते हैं 100 लाइक तो मैं अपनी खुद की टेम्पररी गेम सर्वर होस्टिंग कंपनी खोल के आपको ये सब करके दिखाऊंगा अगली वीडियो में, सब कुछ इंस्टॉल करना, सब कुछ इंटीग्रेट करना, सब कुछ आपको मैं दिखाऊंगा अगर इस वीडियो पे हो जाते हैं 100 लाइक। एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बिकॉज फ्री सर्वर आप सभी को मिलेंगे 1 हफ्ते के लिए। सो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। एंड अगर आप ये चीज़ कर रहे हो एंड आप इंटरेस्टेड, आपको कोई एडवाइस चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे को मेल कर सकते हो, आपको स्क्रीन पे मेरा मेल आईडी दिख जाएगी, या फिर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो डिस्कॉर्ड पे, इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे, एंड मैं आपको हेल्प करूँगा। बस एक बार अच्छे से मैसेज डाल देना कि आपको आप ये कर रहे हो एंड आपको ऐसे ऐसे हेल्प चाहिए। मैं आप ट्राई करूँगा आपको कनेक्ट करने का सही लोगों से, या फिर अगर मेरे साइड से कुछ हुआ तो मैं भी ट्राई करूँगा आपकी हेल्प करने का, बिकॉज ये जो चीज़ है कोई अगर इंडिया से करता है या फिर इंडिया भी नहीं, चाहे चलो आप साउथ एशियन कंट्रीज से कोई भी करता है तो ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज़ यहाँ पे ऐसा कुछ अभी तक नहीं है। सो यही था मेरी साइड से जो मैं चाहता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।